नहीं, खिदमत भी करनी होती है ना, सब कुछ बताए उनको, खिदमत भी करनी होती है, मेहमान नवाज लोग हैं आप। जितने पंजाबी आदमी पूछते ही नहीं, जितने पूछते इतने पंजाबी नहीं पूछते। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रजाक है सर। रजाक साहब हैं जी, इनकी दावत पे आएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, ये बहुत लाजवाब आपको देसी मुर्ग खिलाएंगे, बहुत आला वाला, दही भी खिलाएंगे। ठीक है, खिलाएंगे पर रस्से में मकान है पल्ली। अच्छा, हम आएंगे ना अपने चाचू की कार। यहाँ पे पहुँच के आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे पहुँच के आपने ऐसे अपनी शाहरुख खान की तरह ऐसे बाहें फैलानी है और ऊपर देखना है और जी तसदक भाई, और अभी यहाँ पे लगेगी सीखें। वाह, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हाजीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों को एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। अभी मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली के एक खूबसूरत से गांव रेशिया में, और मेरे दाएं साइड पर अगर आप लोग चेक करो तो ये लोड कह रहा हूँ, ये रोड जो है ये लीपा वैली की तरफ जा रही है। दाउखान एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, उसकी तरफ भी ये जा रही है। और इसके अलावा ये वाली आप अगर रोड चेक करो तो ये भी लीपा वैली साइड पे रोड जा रही है। और आज हम लोगों का प्लान बना है कि हम लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तसदक भाई भी, इसके अलावा ख्वाजा शिराज साहब भी हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, और मेरे बिल्कुल सामने रियान भी मौजूद है जो इस टाइम पे कैमरामैन के फ्राइज सर अंजाम दे रहा है। तो बहुत ही दिल फ्रेब किस्म का यहाँ पर मौसम है। आज ये डेट अगर आप लोगों को बताऊँ तो जुलाई, क्या डेट आए तो सदर भाई, तीन जुलाई है आज, और यहाँ पे सही धुंध पड़ी हुई है और बहुत ही मज़े का मौसम है। तो हम लोग इन्जॉय करने के लिए आए हैं, साथ में टिक्का पार्टी भी होगी और ये एरियाज़ आप लोगों को चल के दिखाएंगे जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखे होंगे। तो सदर भाई कैसा फील कर रहे हैं आज आप? ज़बरदस्त, बहुत आला बहुत आला फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। अभी चलते हैं जी, मज़ीद जो अभी सफ़र रहेगा आपके साथ वो भी शेयर करेंगे और आगे चल के मज़ीद आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह दिखाते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त मौसम है इधर का जी, दवखान का बिल्कुल। तो मैं तो सब हज़रात से दावत दूंगा कि यहाँ पे आए। ये साथ साथ दिखाएं जी हसीन वादियाँ हमारी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिल फरेब और बड़े ही एस्टोनिशिंग, बड़े ही स्टूपेंडस और बड़े ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। मैं पहले भी आया हुआ हूँ इस एरिया में, लेकिन आज शिराज भाई और तसदक भाई और रेहान के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि व्लॉग भी मैं आज फर्स्ट टाइम इस जगह का बना रहा हूँ, तो बड़ा ही ये अच्छी जगह रहेगी और आप लोग भी मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे जगह को पसंद करोगे। ये तसदक भाई ने हमें यहाँ पे रोका है कि ये वाली जगह भी आप दिखाएं, यहाँ से नीचे की आप लोग ये जगह देखो, बीच में नाला भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पानी इस टाइम पर नहीं चाह रहा लेकिन बड़ी ये भी अच्छी जगह है। और नीचे यहाँ पे लोगों के घर हैं और ये बैक कह सकते हैं हम लोग के जो नीचे वाले एरियाज़ के जो लोग हैं ना वो इस मौसम में इन एरियाज़ का रुख इख्तियार करते हैं, और रुख इख्तियार करने के बाद ये हसीन वादियों में आके अपना ठिकाना करते हैं। और क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है हमें, मज़ीद आगे चल के मज़ीद और अच्छा फील होता जाएगा। यहाँ का मौसम बड़ा ही कमाल का है, हमारी साइड पर तो गर्मी थी लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे कंबल और रजाई दोनों चीज़ें, कंबल और रजाई दोनों चीज़ें लेने। किधर से आए? ये बैग से। बैग किधर? ये नीचे, ये आगे। ये बताएं कि यहाँ पे रहते हुए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बता दें अगर। मुश्किल इतना नहीं है। अच्छा, आदमी जो हिलता वो ऐसा वैसा ठीक, मुश्किलात कोई इतनी नहीं है। अच्छा है भाई, शंकर मलक है जी। तो जगह बारे के 100 लोगों की जगह कितनी सोनी है, लोगों आना चाहिए। नहीं, खिदमत भी करनी होती है ना, सब कुछ बताए उनको, खिदमत भी करनी होती है, मेहमान नवाज लोग हैं आप। नहीं, तो बस गुफार, जितने पंजाबी आदमी पूछते ही नहीं, जितने पूछते इतने पंजाबी नहीं पूछते। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रजाक है सर। रजाक साहब हैं जी, इनकी दावत पे आएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, ये बहुत लाजवाब आपको देसी मुर्ग खिलाएंगे, बहुत आला वाला, दही भी खिलाएंगे। ठीक है, खिलाएंगे पर रस्से में मकान है पल्ली। अच्छा, हम आएंगे ना अपने चाचू की कार, खिलाएंगे। ठीक है चाचू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आ जाएं जी मेरे साथ, आपको मैं चल के
जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुकाम है, तो वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हल्का हल्का रोड से पानी बह तो हुआ, ना 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 उधर नहीं लेना ना, उस पर फोकस छोड़ दो, आ जाए। यहाँ पे पहुँच के आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पहुँच के आपने ऐसे अपनी शाहरुख खान की तरह ऐसे बाहें फैलानी है और ऊपर देखना है, और ऊपर आप लोगों को जो व्यू देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। लेकिन इस साइड का व्यू अगर आप लोग देखो तो बिल्कुल जो शाहरुख खान का गेरवा सॉन्ग है उसमें जो शूटिंग हुई हुई है वो आप लोगों को ये जगह देखने को मिलेगी। अमेजिंग सा वाटरफॉल, वाटरफॉल के साथ साथ ये ऊपर आप देखो तो लश ग्रीन एरिया और साथ ही साथ बादल और ये दरख्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और दरख्त दरख्तों से भी ऊँचे कई गुना ये पहाड़ आप लोगों को दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आके आप लोगों का मूड इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होने वाला है कि मैं आप लोगों को इसकी 110% गारंटी देने वाला हूँ। अभी हम लोग दूसरी साइड पे जाएंगे, दूसरी साइड पे आप लोगों को कुछ अमेजिंग सी और यूनिक चीज़ें इस जगह की वो दिखाते हैं। जी तो फाइनली हम लोगों ने स्पॉट ढूंढ लिया है जहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं बारबेक्यू पार्टी, और ये स्पॉट आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इर्द गिर्द का माहौल अगर आप लोगों को दिखा दूं तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। रियाज ज़रा हाँ ये खोलो ना, दिखाएं हम साथ में, ये मेरीनेट करके लाए हैं जी तसदक भाई, और अभी यहाँ पर लगेगी सीखें। वाह हाँ बिल्कुल, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट टाइम है तसदक भाई के साथ ऐसे बारबेक्यू का, तो देखते हैं कैसा रहता है। वैसे तो तसदक भाई बहुत ज़्यादा शौकीन है और बहुत ज़्यादा ये टिका पार्टी करते रहते हैं, हमने इनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, लेकिन मेरे साथ आज इनका फर्स्ट टाइम है। क्यों तसदक भाई जबरदस्त हो गया, बहुत आला हो गया, मैं जब बताऊंगा आप खाओगे तो बहुत आला को सही है, दूर रहोगा बहुत आला इंशाल्लाह होपफुली। और साथ ही साथ यहाँ पे टिक्का पार्टी हमारी स्टार्ट है जी, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ का एनवायरनमेंट दिखाता चलूँ आगे पीछे से, तो बड़ा ही पीसफुल एनवायरनमेंट आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ख़ुद इस सारे जितने भी सीन्स हैं इन्हें ख़ुद फील करो, तो नेचर के बिल्कुल हम लोग पास आए हुए हैं और नेचर को फील करने के लिए आए हुए हैं, सुकून की तलाश में आए हुए हैं यहाँ पे। साथ साथ ईद के दिन हैं आप लोगों को पता है, तो गोश्त वगैरह भी इकट्ठा हुआ हुआ है, तो हम लोग साथ साथ अपने टिक्का पार्टी भी कर रहे हैं जी। आराम से है?